good morning students we are doing second chapter of class 11th biology that is biological classification and in biological classification we have seen five kingdoms classification in the previous lecture we have discussed about kingdom monera in which all the bacteria's come today we will do kingdom protista so let us start किंगडम प्रोटिस्टा इट कंसिस्ट ऑफ ऑल सिंगल सेल्ड यू कैरियोट्स कि इनके अंदर जो है यू कैरियोटिक सेल पाई जाती हैं जैसे पिछले किंगडम में हमने देखा मोनेरा के अंदर ऑल द सेल्स वर प्रो कैरियोटिक ट्रू सेल्स नहीं थी वो लेकिन यहाँ पर यू कैरियोटिक सेल हैं जिनकी ट्रू सेल वोल है और विच हैव ट्रू न्यूक्लियस ठीक है तो देव ट्रू न्यूक्लियस बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कि इनकी जो सेल्स होती हैं इनके सेंटर में न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है और जो है आउटर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है न्यूक्लियर के चारों तरफ और सभी सेल ऑर्गेनालिज प्रेजेंट हैं इसलिए इनको यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है नेक्स्ट लोकोमोशन इज ऑफन बाय फ्लैजिला कि इन इनकी जो बॉडी होती है उसके ऊपर फ्लैजिला एक लॉन्ग टेल प्रेजेंट होती है या सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से ये मूवमेंट करते हैं हमें पता है मोस्टली प्रोटिस्टा जो है वाटर के अंदर रहते हैं तो इसलिए वाटर के अंदर वो लोकोमोशन कैसे करेंगे फ्लैजिला और सीलिया की हेल्प से सम रिप्रोड्यूस सेक्चुअली एंड अदर ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन भी होती है इनके अंदर और ए भी बायो फिजन सेक्चुअल रिप्रोडक्शन जाइगोट फॉर्मेशन से होती है रेस्पिरेशन कैन बी बोथ एरोबिक एज वेल एज अन रेस्पिरेशन भी दोनों टाइप की होती है इनमें अब जो है प्रोटिस्टा को फाइव ग्रुप आगे फर्दर ग्रुप्स में बांटा गया है जिनको क्लासेस बोलते हैं तो फर्स्ट क्लास इज क्रिसो फाइव क्लासेस हैं हम पढ़ेंगे इसके अंदर डायटोम्स एंड गोल्डन एल्गी आ जाती है दे लिव इन फ्रेश वाटर एज वेल एज़ इन मेराइन एन्वायरमेंट कि फ्रेश वाटर में भी सर्वाइव करते हैं वो और समुद्री जो पानी है उसमें भी मेजर प्रोड्यूसर इन ओशियन फोटोसिंथिस शो करते हैं ये तो इसलिए ये प्रोड्यूसर हैं यानी कि फूड प्रोड्यूस करते हैं अब ये फोटो सिंथिस कैसे कर सकते हैं इनके अंदर जो है फ़ोटो सिंथेटिक पिगमेंट पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये फोटोसिंथसिस की प्रोसेस कर सकते हैं द walls आर embedded विद silica. इनकी जो वॉल्स होती हैं वो सिलिका की बनी हुई होती है रेत की बनी हुई होती हैं सो वॉल्स आर इंडिस्ट्रक्टिबल तो ये आसानी से ये टूट नहीं सकती हैं इनकी वॉल्स डायटोमेशियस अर्थ इज़ एक्मलेन ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स ऑफ डायटोम्स और जब ये डायटोम्स di डाई होते हैं मरते हैं तो इनकी सेल वॉल जो है समुद्र की तली में इकट्ठा होना शुरू हो जाती है मिट्टी के साथ उसको बोलते हैं डाई एटोमेशियस अर्थ जिसका यूज़ कहाँ पर होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल सीरप एंड पॉलिशिंग करने में यूज़ होता है इनका तो अभी एक लुक देखते हैं हम एनिमेशन की हेल्प से ये किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर दिखाए गए हैं जो मेनली किंगडम प्रोटिस्टा को फाइव क्लासेस में बांटा गया है क्रिसोफाइट्स डायनोफ्लेजिलेट यूगलिनोड स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स तो हमने अभी क्रिसोफाइट्स के बारे में पढ़ा क्रिसोफाइट्स के अंदर जो है दे आर यू कैरियोटिक प्रोटिस्ट जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है मैम्रेन बाउंड सेल सेलोर्गेलिंग होती है एक लॉन्ग फ्लैजिला होती है और सीलिया प्रेजेंट होती है इनकी बॉडी पे लोकोमोशन के लिए ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं ये और सेक्चुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकती है जाइकोड फॉर्मेशन से अब सबसे पहले हम क्रिसोफाइट्स की बात कर रहे थे तो ये डायटोम्स हो सकते हैं या गोल्डन एल बोलते हैं सी uh, के अंदर मिलते हैं मेनली ये जो क्रिसोफाइट्स हैं इनकी वॉल जो है सिलिका की बनी हुई है ये फोटोसिथसिस शो करते हैं फोटोसिंथेटिक डाएटोम हैं इनकी जो है ये सेल वॉल सिलिका की बनी हुई है दिखा रखिए ये और जब ये डाईटोम्स डाई आउट हो जाते हैं तो समुद्र की तली में ये इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं जिससे क्या बनता है डायटोमेशियस अर्थ जिसका यूज़ कहाँ पर होता है पॉलिशिंग करने में या फिर ऑयल और सिरप की फिल्ट्रेशन करने में सेकेंड क्लास डिस्कस करते हैं प्रोटिस्टा की दैट इज डाइनो दे आर मोस्टली मेराइन एंड फोटो सिंथेटिक ये भी मेराइन होते हैं और फोटो सिंथेटिक हैं दे अपीयर ब्राउन ग्रीन येलो और रेड डिपेंडिंग अपॉन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर बॉडी किस कलर का पिगमेंट है वही कलर ये शो करते हैं दे हैव टू फ्लैजिला इसलिए इनको डाइनो कहा जाता है सेल वोल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस इनके आउटर सरफेस पे सेलुलोज की प्लेट्स होती हैं अब दो फ्लैजिला की बात की है हमने तो ये दो फ्लैजिला इक्वल साइज की भी हो सकती हैं जिसको इसो बोलते हैं और अनइक्वल हो सकती हैं एक शॉर्ट और एक लॉन्ग जिसको बोलते हैं हिटरो फ्लेजिला की बात है ये वॉल हमने कहा कि स्टिफ सेलुलोज की प्लेट्स की बनी हुई होती है जो रेड कलर के डायनोफ्लेजिलेट्स हैं दे अंडर गो रेपिड मल्टीप्लीकेशन दैट दे मेक द सी अपीयर रेड इतनी ज़्यादा फटाफट ग्रोथ करते हैं कि इनकी वजह से सी का कलर रेड दिखाई देने लग लगता है क्योंकि ये सरफेस को कम्प्लीटली घेर लेते हैं ये एक टॉक्सिन रिलीज करते हैं लार्ज नंबर में एंड किल द मेराइन लाइफ फॉर्म सचेज फिशेज जिससे क्या है फिशज़ वगैरह की डेथ हो जाती है नेक्स्ट जो थर्ड क्लास है दैट इज़ युगलिनइड्स यूग्लिना फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर खड़े हुए पानी में भी ये उग जाते हैं ये नोट हैव सेल वॉल इनकी सेल वॉल नहीं है बट दे हैव ए प्रोटीन रिच लेयर कार्ड पैलिकल लेकिन इनके चारों तरफ एक प्रोटीन की मोटी लेयर होती है जिसको बोलते हैं पैलिकल विच मेक्स देअर बॉडी फ्लैक्सीबल और उसी लेयर की वजह से इनकी बॉडी फ्लैक्सीबल है कि जितना बड़ा साइज़ कर ले जितना छोटा साइज़ कर ले क्योंकि सेलव वॉल तो एबसेंट है दे हैव टू फ्लेजिला ए शॉर्ट एंड ए लॉन्ग पन इनके अंदर भी दो फ्लैजिला हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट। यूग्लेनोइड्स आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर सन की प्रेजेंस में वो फोटोसिंथिस शो करेंगे और सन की एबसेंट में वो हिट्रोट्रोप्स का काम करते हैं यानी के ऑटोट्रोफिक भी हैं ये प्लांट की तरह और एनिमल्स की तरह ये हिट्रोट्रोफिक भी है इसलिए इनको कहा जाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल की प्लांट और एनिमल को कनेक्ट करने वाला ये लिंक है कि इनमें प्लांट जैसे करेक्टर भी हैं फोटोसिंथेसिस शो कर रहे हैं और एनिमल्स की तरह ये हिट्रोट्रोफिक भी हो सकते हैं पिगमेंट्स ऑफ यूगिलोइ्स आर सिमिलर टू हायर प्लांट इनके अंदर जो पिगमेंट मिलते हैं जैसे हायर प्लांट के अंदर क्लोरोफिल होता है उसी टाइप के पिगमेंट पाए जाते हैं इसीलिए ये फोटोसिंथेसिस शो करते हैं तो अभी ये दो हमने जो पढ़े हैं इन डायनोफ्लेजिलेट्स और यूगलेनोइड्स इनको एनिमेशन की हेल्प से देखते हैं डायनोफ्लैजलेट्स जो सेकेंड ग्रुप हमने पढ़ा है ये डिफरेंट डिफरेंट कलर के हो सकते हैं रेड कलर के हो सकते हैं ग्रीन कलर में हो सकते हैं ब्राउन कलर में हो सकते हैं येलो कलर में हो सकते हैं तो ये डिपेंड करता है कि इनके अंदर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है सी के अंदर जो रेड कलर के डाइनोफ्लैजलेट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो ये पूरे सी वाटर को रेड कर देते हैं जिसको बोलते हैं रेड टाइड इनकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ की वजह से सी का वोटर रेड दिखाई देने लगता है इनकी जो फ्लैजिला है दो तरह की फ्लैजिला बताई हमने कि एक लॉन्ग होती है और एक शॉर्ट या तो इक्वल साइज में भी हो सकती है नेक्स्ट है यूगलिनोड ग्रुप इसके अंदर युगलीना पाया जाता है ये एक यूकैरियोटिक सेल है जिसमें एक शॉर्ट फ्लैजिला होती है और एक लॉन्ग फ्लैजिला इसके अंदर भी दो तरह की फ्लैजिला होती हैं इनकी बॉडी के चारों तरफ सेल वॉल नहीं है प्रोटीन की लेयर है जिसको पैलिकल बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक हैं ये फोटो ऑटोट्रॉफिक हैं यानी कि सनलाइट को ट्रैप करके अपना फूड बनाते हैं क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है इनके अंदर हीट्रोट्रोफ की तरह भी काम करते हैं ये कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते दूसरों से लेते हैं